अहमद, ये महमूद खान अचकज़ई साहब की पर्सनालिटी को देखते हुए, सियासी उनका किरदार देखते हुए, उनको जो कमान सौंपी गई है, आपको अब ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कुछ कम होती हुई दिखाई दे रही है? आगे जाके सिचुएशन कुछ बेहतरी की जानिब जाएगी, या ये जहां पर हम देख रहे हैं कि एक स्टेलमेट है दोनों साइड से, वो ऐसे ही बरकरार रहेगा? उम्मीद तो अच्छे की रखनी चाहिए, हमें भी अच्छे की करनी चाहिए और अच्छी बात करनी चाहिए, पैनिक नहीं फैलाना चाहिए। अचकज़ई साहब ने जो बात की है, उम्मीद करते हैं कि ये इमरान खान की आशीर्वाद से कही होगी और इस पर कायम रहेंगे। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि ये जो आज वो मान गए हैं मुज़ाकरात करने के लिए ज़रदारी साहब से, नवाज़ शरीफ साहब से, तो आज तक यहाँ पहुँचने में जो इस मुल्क के ऊपर बिल फटा है वो कौन भरेगा? हम कब से लोग बोल रहे हैं, इस पैनल पर लोग बोलते हैं, बाकी लोग बोलते हैं कि बात करनी चाहिए सियासतदान को, सियासतदान से बात करनी चाहिए, लेकिन ये बात पीटीआई को अच्छी नहीं लगती थी। मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मेरे दफ्तर में एक बहुत मोहतरम शख्सियत आई पीटीआई की, उन्होंने खासा जो ऐसी जो बातें हम इस प्रोग्राम में करते हैं उस पर खासा नागवारी का एहसास किया, उनका उनका मौकफ ये नहीं रहा, तो वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते। एक जो साबिक सदर रहे हैं हमारे, उनकी तरफ से बयान आता है कि चौकीदार से बात करेंगे क्योंकि चौकीदार ने घर पर कब्जा कर रखा, इंतहाई मज़ाक़ा खेज़ बयान था वो मेरे नज़दीक। ये बिल्कुल ऐसे है कि आप एक गाड़ी किसी ऐसे बंदे से खरीद लें जो चला रहा है, अगर सिर्फ जो ड्राइवर है, आप उसके असल मालिक से गाड़ी ना खरीदें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप करके शौक पूरा कर लीजिए, सबसे पहला पर्चा आप ही के ऊपर होगा, आप ही जेल में जाएंगे, आपको चोर समझा जाएगा। आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आप मिलना चाहते हैं तो आप करें तो मुज़ाकरात हो जाता है, कोई और मिलना चाहे तो वो जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो जाती है। आप बात करें कि आप माफ़ी की जाए, आप सजाएं ख़त्म की जाएं, तो ये आपका असूली मौक़िफ़ होता है। कोई और कहे ऐसी बात तो वो एनआरओ मांग रहा है। तो ये हमें दोहरे रवैये नज़र आते हैं और दिलचस्प बात ये है कि तमाम पार्टीज़ में नज़र आते हैं। हर पार्टी पहले वोट को, वो एक पार्टी पहले वोट को इज्जत देती है तो बाद में उसी वोट की इज्जत ना सिर्फ छीनती है बल्कि उसको रोन देती है, उसका दिया पांचा कर देती है। तो हम मुकाबला नहीं कर सकते कि इसमें इस दोहरेपन में कौन नंबर लेके ज़्यादा नंबर लेकर जा रहा है, कौन आगे जा रहा है। दूसरी तरफ ये बात के अगर मुज़ाकरात होंगे तो अली अमीन गंडापुर साहब जो इस वक्त भी बातें कर रहे हैं, जो अलकाबात नवाज रहे हैं गवर्नर साहब को, क्या उस माहौल में हो सकते हैं मुज़ाकरात या नहीं हो सकते, ये देखना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा, उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए, लेकिन पीटीआई का जो वोटर है, जो सर ने भी बात की, पीटीआई के वोटर को ये कैसे कन्विंस करेंगे? उसकी तो ग्रूमिंग ही ऐसे नहीं हुई। शेर मरवत साहब का आपने जिक्र किया, शेर मरवत साहब की आजकल एक तस्वीर चल रही है, एक वीडियो चल रही है जिसमें गालबन अवन चौधरी के साथ के कहने पर उन्होंने किसी बच्चे के साथ तस्वीर खिंचवाई है। पीटीआई के वोटर्स उसके ऊपर भी धमा चौकड़ी मचा रहे हैं कि ये भी एक गद्दारी है, तो ऐसे माइंड सेट को कैसे कन्विंस किया जाएगा? ये भी इतना आसान अमल नहीं होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।